अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज की ब्लॉग स्टार्ट हो रही है इन्फिनिटी ब्रिज से। तो हम लोगों का प्लान हुआ है बर दुबई जाने के लिए, क्योंकि कार मतलब काफी दिनों के बाद पेंट होके आई है। तो हम लोग कार को चेक कर रहे थे और उसमें डिस्प्ले हैज बीन चेंज कर रहे थे, तो वही 1 घंटा लग गया कार में बैठे हुए। तो फिर मैं बोली कि चले बर दुबई घूम कर आते हैं, थोड़ा सा कार का भी टेस्ट हो जाएगा। तो खैर तैयार हो गए, कहें कि चलो अभी तो ज्यादा टाइम हो भी नहीं रहा था, 5:30 हो रहे थे और फिर मगरिब की अजान भी हो गई थी, शायद 6 बज गए थे। तो शाम हुआ तो मैं काफी शॉर्ट्स में देखी हूँ कि बर दुबई में कुछ ज्यादा ही मतलब दिवाली का धूम होता है। और मुझे ये पहले से भी पता है कि मतलब बर दुबई में यहाँ ज्यादा मतलब कि इंडियन लोग रहते हैं, तो दिवाली को ज्यादा ही इधर सेलिब्रेट होता है। तो एक दो ब्लॉग नहीं था, एक दो मैं शॉर्ट्स में टिकटॉक में देखी, तो मैं बोली चलो देख कर आती हूँ कि कैसा है। तो बस हम लोग आ गए, क्योंकि बर दुबई देरा तो ज्यादा दूर है ही नहीं, बस खाली इस ब्रिज को क्रॉस करना है। या मैं बीच में एक समंदर है, चाहे वो बोट से जैसे पिछले ब्लॉगों में दिखाई थी बोट से क्रॉस करे या फिर ब्रिज से क्रॉस करे। तो इधर मैं आ गई थी और मुझे वो नहीं पता था, मतलब मैं वो जो सीन देखी हूँ ना रील्स में या फिर टिकटॉक में, वो इतना डेकोरेशन किया हुआ है, मुझे तो समझ ही नहीं रहा। हम लोग मैक्सिमम बर दुबई जब आते हैं ना तो मतलब शॉपिंग करने के लिए आते हैं, जैसे पाकिस्तानी सूट लेना हो, मैक्सिमम तो मैं पाकिस्तानी सूट ही लेने आती हूँ। इधर तो जैसे देख रहे हैं आप लोग, इधर गोल्ड का भी शॉप बहुत ज्यादा है, जो एलोकास मालाबार है, बहुत बड़ा बड़ा शोरूम भी है इधर। और पर मैं हम लोग तो गोल्ड लेने के लिए मैक्सिमम नाइफ में ही जाते हैं, पर इधर सूट लेने के लिए ज्यादा आते हैं। बर दुबई इसलिए फेमस है कि इधर पाकिस्तानी सूट, इंडियन ड्रेस भी मतलब कि पार्टी वेयर और बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है, पर बहुत महंगा मिलता है। ये इंडिया में अगर लेंगे ना 20-25 हज़ार में मिल जाएगा, पर यहाँ तो सीधा 1 लाख ही पार करता है, 5,000 दरहम 4,000 दरहम ऐसा प्राइस बताते हैं। खैर बहुत ही खूबसूरत पार्टी वेयर, जो यहाँ रहते हैं तो अब इंडिया नहीं जा सकते तो यहीं से ही परचेस करते हैं। तो इंडियन और पाकिस्तानी जो ट्रेडिशनल ड्रेस है हम लोगों का, दोनों का कंट्री का, तो यहाँ मिल जाता है, बहुत ही फेमस है इस चीज़ के लिए। तो मैं हमेशा यहीं आती हूँ शॉपिंग कर। तो बस हम लोगों को आइडिया है कि इधर शॉपिंग करने के लिए, तो हम लोग शॉपिंग वाले एरिया में आ गए, मतलब जितना भी शॉप वाले एरिया। तो इधर पूरा शॉप को डेकोरेशन किया हुआ, इतना प्यारा लग रहा था, मतलब आने के बाद लग रहा था कि हाँ मतलब आज दिवाली है। एक अलग ही रौनक इस गली में आने के बाद, इधर जिधर हम लोग है उधर नहीं है, क्योंकि उधर बहुत कम है, बहुत कम है ना, बराबर ही समझे कि ज्यादा नहीं है। तो इधर बहुत ज्यादा इंडियंस हैं और हम लोग जिधर रहते हैं तो इधर थोड़ा मिक्स है। खैर मिला मिला करे, पर कोई कोई के ज्यादा मतलब कोई कोई जगह पे बहुत ज्यादा है। चले आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या है ना क्या चाह रही हूँ। तो बस हम लोग को कार से उतरना नहीं था, बस बैठे बैठे बर दुबई घूम रहे थे। तो मैं ढूंढ रही थी कि वो गली किधर है, कहाँ है, मुझे तो कहीं दिख ही नहीं रहा था। हस्बैंड मुझे कह रहे वो रेसिडेंस एरिया में मिलेगा कि शॉप वाले पूरा मतलब शॉप तो ऐसा नहीं कि ऊपर में, और जो जितना भी शॉप है नीचे डेकोरेशन किया हुआ, पर वो मतलब मुझे वो लुक नहीं आ रहा था, मेरे से जहन में था। बस हम लोग वैसे ही करते करते आधा घंटा हो गया था, फिर मैं बोले कि अब क्या करें, वो तो एरिया दिख नहीं रहा। और फिर हस्बैंड भी बोले कि अब हम लोग तो दिन में आए हमेशा, रात में तो ऐसा दिवाली के टाइम आए नहीं, फिर हमने ये वीडियो शूट करके कहाँ डालते, और बार बार कहते हैं ये बर दुबई का बर दुबई का, ये सोच रहे थे। फिर मैं मोबाइल निकाली, इंटरनेट कनेक्ट की हस्बैंड से, क्योंकि मेरे मोबाइल में तो इंटरनेट होता नहीं। फिर मैं इंटरनेट से ना चेक की, तो मुझे ना एक मतलब वो एरिया में ना एक बिल्डिंग दिखा, बिल्डिंग नहीं दिखा, मुझे ऐसा लग रहा है गेट है वो। तो मुझे मतलब अच्छा ये गेट के पास में बहुत सारा बिल्डिंग है ऐसा टाइप का दिखा। मैं बोली कि अच्छा, एक दो बिल्डिंग का नाम भी दिखा, तो मैं फिर उसको फिर मैं हस्बैंड को दिखाई। बोले तो बस ये इतना ही देख रही थी कि हम लोग ना रोड से क्रॉस कर रहे थे, मतलब कि दूसरे गली में एंट्री कर रहे थे, बस कॉर्नर से ना मुझे वो एरिया दिख गया, इतना जगमगाता इतना जलजलाता हुआ कि मैं बता नहीं सकती कि मैं जो सोच रही थी वो दिख गया बस। और वो भी मतलब इस रोड में नहीं, वो दो रोड के बाद है, पर बिल्डिंग में लाइट्स लगी है तो दूर से दिखे गई और दिख गया। मैं बोली देखिए वो एग्जैक्ट वही जगह है। तो हस्बैंड बोल रहे कि अच्छा अब यहाँ से तो कार जाएगा नहीं, वो कार को मतलब कि कार है, पैदल तो है नहीं कि बस इधर से उधर से निकल जाएंगे, कैसे कैसे कार को फिर ये गली वो गली ये रोड वो रोड करके फिर हम लोग वहां पहुंचे। जब पहुंचे तो एग्जैक्ट वही जगह पे पहुंचे। अब हम लोग कार ना यहीं पर से यू टर्न लिए थे, एग्जैक्ट वही जगह जो मैं वीडियो में देखी। मैं बोली अच्छा यही गेट है। जब मैं गौर से जब उसके पास पहुंची ना, वो गेट नहीं था, वो होटल था, उसमें ब्लैक शीशा लगा है, तो ऐसा लग रहा है ना कि मतलब कि अंधेरा में ना ऐसा गेट है वो, क्योंकि जो भी पिलर वगैरह बना है वो तो कंक्रीट से बना है, और बीच वाला सब शीशा ब्लैक है, तो वो दिख ही नहीं रहा था। तो वीडियो में भी मैं देखी मुझे गेट दिख रहा था, जब पास में जाके देखी तो फिर वो मतलब कि होटल था। तो हस्बैंड बोल रहे ये होटल है, तुमको गेट दिख रहा है। मैं बोली कैसा लग रहा है, कोई बिल्डिंग का गेट है इतना बड़ा सा।
और फिर ये मतलब कि बड़ दुबई का रौनक, वाव, देखने लायक था। जब मैं इस गली में एंटर की थी ना, मुझे, मैं तो फील ही नहीं कर रही थी कि मैं दुबई में हूँ, मुझे लगा कि मैं इंडिया में हूँ एकदम। मतलब फीलिंग्स ही खत्म कि कहाँ हैं हम लोग। और जब तक मैं इस एरिया में थी तो बिल्कुल भी नहीं फील हो रहा था हम दोनों को कि मतलब हम लोग दुबई में हैं। जब जैसे ही बड़ दुबई से बाहर निकले और करामा की तरफ निकले तो फिर यही एरिया मतलब मुझे ना दूर से दिख गया था। फिर हम लोग गाड़ी यू टर्न कर लेकर के इधर इसी एरिया में सबसे ज्यादा मतलब कि लाइटिंग वगैरह लगा था, क्योंकि रेसिडेंस एरिया। जब ना हम लोग करामा तरफ निकले, सब करामा से फिर हम लोग निकल गए थे, मतलब घर की तरफ आ रहे थे करामा होते हुए हम लोग निकले, तो फिर लगा करामा भी उतना नहीं था, बहुत कम था। तो फिर लगा कि नहीं हम लोग दुबई में हैं, नहीं तो लाइटिंग देख करके तो लग ही नहीं रहा था। बस जो भी हो, दुबई में ना सबकी खुशी है, मतलब कोई भी हो, कोई भी कंट्री का हो, हर कोई फेस्टिवल मतलब एकदम खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका फेस्टिवल आपके कंट्री का है तो आप लोग अपने देश में मनाएं, ऐसा कुछ नहीं है। फुल फ्रीडम है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी कास्ट का भी। जैसे कि कौन सा भूत वाला हैलोवीन चल रहा है, जिधर देखो उसी का डेकोरेशन लगा, मतलब भूत प्रेत भी बन जा। अच्छा ये देखिए, आप लोग ही देख करके बताएं, सामने से क्या दिख रहा है? बिल्डिंग दिख रहा है? ऐसा नहीं लग रहा कि कोई गेट है, दो पिलर है, वो गेट है, वो गेट नहीं है, वो जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो पूरा शीशा है, वो बिल्डिंग होटल है। और मैं तो यही सोच करके आई थी कि अच्छा ये है ना गेट है, इसी गेट के बाद से पूरा बिल्डिंग होगा। खैर, सबसे ज्यादा डेकोरेशन है इसी गली के बाद से है। और फिर आप लोग देखे हो, आप लोग देख के जरूर कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्या फील हो रहा है, कि इंडिया में है या फिर दुबई में है। इतना प्यारा, इसी गली के बाहर से अंदर की सारी बिल्डिंग तो बस देखने लायक था। आप लोग भी देखें और एंजॉय करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आप लोगों को। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग देखें कि कितना अच्छा लग रहा है, मतलब चारों तरफ लोग ही लोग हैं। और इतना अच्छा मुझे लगा कि शायद वीडियो में तो नहीं ले सकती थी, कुछ लोग तो मतलब इतना तैयार श्यार हो के
एक दूसरे के यहाँ जा रहे थे। अब क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, बस जा रहे थे। मैं रोड पे देखी थी काफी लोग को, फैमिली के साथ, बच्चे के साथ, बहुत खुशी हो। तो बस यहाँ ये बात है कि लाइफ में ऐसा होना चाहिए, और बहुत अच्छी बात है कि ना हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते, क्योंकि एक नॉर्मल लाइफ मतलब कि एकदम रोज रोज एक ही तरह से जिएंगे कैसा लगेगा। बीच में मतलब हम लोगों का ईद आता है, या फिर कितना खुशी होता है, तो इस तरह से हर लोग खुश होते हैं। तो फेस्टिवल मनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मतलब कि एक माइंड थोड़ा सा फ्रेश होता है। तो फिर आप लोगों को कैसा लगा, और इस बात को आप लोग, तो चलो ब्लॉग को यहाँ से खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।